ओके, सो आफ्टर इनसेट हेडिंग्स, पहले हेडिंग्स देना पड़ेगा पावर पॉइंट, देन कंट्रोल जी, पेज नंबर 9, पेज नंबर 9 में जाकर भी आप यहाँ पे हेडिंग दीजिए, MS ACCESS 2016। इसको भी पहले आप हेडिंग में रखना पड़ेगा एंड सेंटर करना है। नाउ गो टू कंट्रोल जी, पेज नंबर 2, सो ब्लैंक पेज का आना है। नाउ गो टू रेफरेंस मेनू। ओके, अगर रेफरेंस मेनू अगर करना है तो एज यूजुअल होम मेनू यूज करना पड़ेगा, इनसेट मेनू यूज करना पड़ेगा, पेज लेआउट मेनू यूज करना है। तो अभी तक मैंने वही काम किया है, वही काम किया है। नाउ फाइनली गो टू रेफरेंस मेनू। रेफरेंस मेनू में जाइए, रेफरेंस मेनू में जाने के बाद टेबल ऑफ कंटेंट, तो स्टार्टिंग में क्लिक करो, आप जितने हेडिंग्स यूज किए सारे हेडिंग्स आ जाएंगे। क्लियर ना? इन केस और एक हेडिंग कहां पर भी आप यूज किए, कंट्रोल जी, पेज नंबर 10, पेज नंबर 10 पे मैंने एक हेडिंग यूज किए थे यहाँ पे। ओके, आउटलुक बोलकर मैंने एक हेडिंग यूज किए, आउटलुक बोलकर मैंने एक हेडिंग यूज किए थे। तो पता है आपको, हेडिंग में क्लिक करना पड़ेगा, सेंटर करना पड़ेगा एंड कंट्रोल जी प्रेस कीजिए, पेज नंबर 2 में जाइए, लेकिन वो हेडिंग अपडेट नहीं हो रहा है। सो हेडिंग अपडेट करना है, सेम रेफरेंस मेनू, सो इसको सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के बाद ये वाला हाईलाइट होगा, रेड बटन, यहाँ पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद एंड अपडेट एंटायर टेबल, टेबल करने से आपको वो ऑटोमेटिकली हेडिंग हो जाएगा। इसका यूज क्या है, डायरेक्टली यहाँ पे लिंक्स आएगा, सो लिंक्स में कंट्रोल क्लिक करने से डायरेक्टली पावर पॉइंट में आप जा सकते हैं, डायरेक्टली पावर पॉइंट में जा सकते हैं। अगेन कंट्रोल जी, पेज नंबर 2, सो पेज नंबर 2 का आना पड़ेगा। क्लियर? तो इस तरह आप हेडिंग्स देने के लिए आपको ये रेफरेंस मेनू हेल्प करेगा। ओके, बस ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, एंड हेडिंग्स देना है एंड अपडेट करना है। क्लियर? नाउ इनसेट फुट नोट, सो सम मटेरियल्स, मतलब कि किड्स का किताब से अगर चेक करेगा तो इसका मीनिंग क्या है, आपको ये पेज का नीचे आपको डिस्प्ले होगा। ओके, तो उस तरह का सेटअप करना है। सो डेटा सेलेक्ट करो, डेटा सेलेक्ट करने के बाद इनसेट में क्लिक करो, इनसेट फुट नोट, सो नीचे एक नोट आ रहा है, फॉर्मेटिंग, दैट मींस डिजाइन। ओके, डिजाइन द टेक्स्ट बोलकर दिया है। फॉर्मेटिंग मतलब क्या है, डिजाइन द टेक्स्ट, ठीक है। एंड डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट मतलब क्या है, टेक्स्ट फाइल। सो और एक देखो, नंबर 2 आ रहा है। सो डे एंड डॉक्यूमेंट मतलब क्या है, टेक्स्ट, टेक्स्ट फाइल बोलकर दिया है, वेरी सिंपल। देन सो आप इस तरह पढ़ाई करने के टाइम पे फर्दर जब यहाँ तक पहुंचेंगे तो आपको एक बटन, एक देखो बॉक्स जैसा आ रहा है एंड इसके साइड में 1 भी आ रहा है। देन फॉर्मेटिंग का मतलब डिजाइन द टेक्स्ट बोलकर आपको ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो रहा है, इसमें हो रहा है ना यहाँ 1। एंड इनकेस यहाँ डबल क्लिक करेगा तो डायरेक्टली यहाँ पे आएगा, यहाँ पे डबल क्लिक करेगा तो डायरेक्टली यहाँ पे जाएगा। दर फिर भी ऐसे 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 ही यूज करते 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 हमको डॉक्यूमेंट कहाँ यूज किए, तो कहाँ यूज किए थे मुझे पता नहीं चल रहा है, डोंट वरी। पहले यहाँ पे डबल क्लिक करो, तो डबल क्लिक करने से कहाँ यूज किया है आपको तो पता चल जाएगा। देखो डॉक्यूमेंट का मतलब टेक्स्ट फाइल, दैट इज कॉल्ड इनसेट फुट नोट कहते हैं। मतलब डॉक्यूमेंट का मीनिंग क्या है, नहीं वर्ड का मीनिंग क्या है, सो डॉक्यूमेंट का फुटर में आप देख सकते हैं, फुट नोट, डाउन का नोट, पेपर डाउन का नोट, सेम टू सेम इंसेट एंड नोट। इंसेट एंड नोट मतलब क्या है, ऑलमोस्ट ऑल पेजेस का लास्ट में आएगा, ऑल पेजेस मतलब पेजेस 12th पेज में आपको इंसेट होगा। फॉर एग्जांपल थीम मतलब क्या है, थीम मतलब टेक्स्ट डिजाइन, टेक्स्ट का आउटलुक है ना, थीम मतलब वही, तो मतलब उसका डिजाइन चेंज हो जाएगा, थीम मतलब। तो ठीक है, एंड और एक तो हम चेक करेंगे आपको इजी वाला, कुछ भी करंट, करंट मतलब पता है क्या, करंट, करंट में प्रेजेंट, तात्काल रिजर्वेशन, करंट रिजर्वेशन कहते हैं। ओके, सो करंट का मीन क्या है, प्रेजेंट। सो प्रेजेंट बोलकर मुझको मीनिंग चाहिए इन फुट एंड नोट में। देखो ऑलमोस्ट बेटर लैंडिंग में आ गया। क्लियर? सो करंट मतलब क्या है, प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट। गैलरी
गैलरी, गैलरी मीन्स फोल्डर, पिक्चर फोल्डर बोलकर मैं देना चाहता हूँ, दैट इज कॉल्ड आल्सो एलिमेंट। ओके, पिक्चर, पिक्चर फोल्डर, पिक्चर फोल्डर, वेरी सिंपल। इसमें रोमन एंकिस आ रहा है, क्या आ रहा है इसमें, रोमन एंकिस आपको डिस्प्ले हो रहा है, 1 2 जैसे। ओके, फिर उसमें क्या आ रहा है, 1 2 सीरियल, वेरी सिंपल। देखो गैलरीज, सेम टू सेम ऑप्शन, जब कर्सर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसे पिक्चर फोल्डर बोलकर डिस्प्ले हो रहा है। तो यहाँ पे डबल क्लिक करो, करंट जहाँ पे दिया है वहां पे ऑटोमेटिक जा रहा है, वहां पे प्रेजेंट बोलकर डिस्प्ले हो रहा है, सिंपल। ओके देन, सो कर्सर स्टार्टिंग पे होल्ड कीजिए, कर्सर स्टार्टिंग में होल्ड करो, देन कहाँ कहाँ पे फुटनोट दिया है, नेक्स्ट फुटनोट, नेक्स्ट फुटनोट, ऐसा आप चेक कर सकते, क्लियर। सो नोट्स दोनों डिस्प्ले होगा, अगर एंड्रॉइड में जाना चाहते हो एंड्रॉइड डिस्प्ले होगा, क्लियर। तो फिर भी बाहर क्लिक करो, फिर भी क्लिक करो, फुट नोट में जाना चाहते हो फुट नोट में जा सकते हो। सो नोट्स कहाँ कहाँ दिया है वो तो सारे का काम यही है, वेरी क्लियर। ओके, फुट नोट मीन्स पेपर का नीचे, एंड्रॉइड का मीन्स मेटल का एंडिंग, किताब एंडिंग, किताब एंडिंग। सो नेक्स्ट नेक्स्ट चेक कर सकते हैं, दोनों चेक करना है तो यहाँ पे क्लिक करने के लिए बताया था, क्लियर ना। सो इंसेक्ट सिटेशन, तो एक्चुअली इंसेक्ट सिटेशन मतलब क्या है, आथर डिटेल्स, आथर में यहाँ पे आथर मतलब किए, सो जो डिजाइनर किया है। ओके, डिजाइनर का नेम, सो वेरी सिंपल, पहले यहाँ पे जाइए एंड एड न्यू सोर्स में क्लिक करो, ये तो क्लियर ना। सो एड न्यू सोर्स में क्लिक करो, एड न्यू सोर्स में क्लिक करने के बाद ऑथर नेम, ओके, फॉर एग्जाम्पल हेमावती, हेमावती, एच ए एच ई एच ए आर ई बी ए टी आई, ओके, ऑथर, टाइटल क्या बनाया तुम, ओके, तो कौन सा वाला बनाया, मैंने यहाँ पे दिया है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ओके, मटेरियल्स 2016 वर्षन बनाया था, कौन सा ईयर में बनाया, 2021 में बनाया, कहाँ बनाया था, सो रायगढ़ में बनाया था। सो पब्लिशर, सो तुम्हारा मटेरियल कौन पब्लिश को किए पब्लिश कर रहा है, तो साइज सॉफ्टवेयर पब्लिश कर रहा है, क्लियर। तो सो इस तरफ आपको पता है अपना मेटेरियल जो है, किताब जो है उसमें सेकंड पेज में रहते हैं, आकर डिटेल्स एंड उसका प्राइस एंड वो सारे वहां पर रहते हैं। ओके, साइज ऑफ ए सॉल्यूशन, तुम्हारा तुम जो डिजाइन किया है वो किताब हम यूज कर रहा है, ओके, डिटेल्स सारे देना पड़ेगा, जस्ट ओके करो। ये जहां पर भी इनपुट नहीं होगा, तो अगर इनपुट करना है तो आप यहाँ पे इनपुट करना चाहते हैं, यहाँ पे वेरी सिंपल। सो यहाँ इनसेट करना है, बिब्लियोग्राफी में जाना पड़ेगा, यहाँ पे जस्ट यहाँ पे क्लिक करने से अपना डिटेल्स कंप्लीटली यहाँ पे आ जाएगा, क्लियर ना। ओके देन, इसका स्टाइल्स अगर चेंज करना है तो यहाँ पे जाके आप स्टाइल्स, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स में आप चेंज कर सकते हैं, सो आप ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। सेंडिंग में भी देना है तो एंडिंग में भी दे सकते, पहले यहाँ पे इनसेट करना पड़ेगा एंड इसके बाद में यहाँ पे जाके यहाँ जहाँ पे चाहिए वहां पे कर्सर होल्ड करना पड़ेगा, वहां कर्सर होल्ड करके इंसर्ट करने से आपको डायरेक्टली इंसर्ट हो जाएगा, क्लियर ना। ओके, सो आर्थर डिटेल्स तो हो गया, बस ये तो ऊपर वाला जरूरत नहीं है, बस दो टू लाइंस आप यूज करो। सो यहाँ पे बताया टू लाइंस और यहाँ पे बताया चार, ओके, और यहाँ पे बताया एल शेप, एल शेप, ओके, सो इस तरह। नाउ इंसर्ट कैप्शन, इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल सम इमेजेस हम इंसर्ट करना है इन अपना किताब में, सम पिक्चर्स आप इंसर्ट करना है, सो टेबल्स इंसर्ट कर सकते हैं, पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं आपका मर्जी। सो डेस्कटॉप, फोटोशॉप इमेजेस, फोटोशॉप इमेजेस में जाके मैंने सम पिक्चर्स मैंने इंसर्ट किया है, सम पिक्चर्स मैंने इंसर्ट किया है। तो यहाँ पे वेरी सिंपल, रेफरेंस में जाइए, इंसर्ट कैप्शन फिगर 1, सिंपल हो गया। Then, some materials होने के बाद फिर भी मैंने यहाँ पे जाके एक टेबल इंसर्ट किया है, एक टेबल इंसर्ट किया है, तो यहाँ पे रेफरेंस, इंसर्ट कैप्शन,
फिगर टू लिखिए, यहाँ पे जाइए टेबल वन, क्लियर। सो वेरी सिंपल, फिर भी और एक बार जाएंगे, देन यहाँ पे क्लिक किए थे, इंसर्ट मेनू, इक्वेशंस, देन एक इक्वेशन मैंने इंसर्ट किए थे, गो टू रेफरेंस मेनू, इंसर्ट कैप्शन, देन यहाँ पे इक्वेशन, इक्वेशन वन हो गया एज यूजुअल। फिर भी मैंने यहाँ पे एक पिक्चर इंसर्ट, टेबल इंसर्ट किए थे, इंसर्ट टेबल, टेबल नंबर टू, गो टू रेफरेंस मेनू, इंसर्ट कैप्शन, देन टेबल, टेबल टू, ऑटोमेटिकली आ जाएगा, काउंट करने का जरूरत नहीं है। और इसका आगे इनकेस और एक टेबल आप इंसर्ट करेगा तो व्हाट हैपेंड, यहाँ और एक टेबल आप इंसर्ट किए, सो ये टेबल टू हो जाएगा, नीचे वाला टेबल थ्री हो जाएगा, ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली टेबल टू हो जाएगा। सो नीचे जो दिया है वो ऑटोमेटिकली टेबल थ्री हो जाएगा, अब काउंट करने का जरूरत नहीं है, वही काउंटिंग करेगा। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने और एक पिक्चर इंसर्ट किया है, दिस इज द फिगर टू, है ना, फिगर टू ऑटोमेटिकली आएगा, रेफरेंस मेनू, इंसर्ट कैप्शन, आप यहाँ पे चूज करो फिगर टू, क्लियर। एंड और भी सम पिक्चर्स मैंने इंसर्ट किए थे, यहाँ पे इंसर्ट मेनू, डिपार्ट, डिपार्ट एंड कंप्यूटर, कंप्यूटर एंड जो भी इमेज आप इंसर्ट कर सकते पता है आपको, तो मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया है, एंड क्लोज, दिस इज आल्सो रेफरेंस मेनू, इंसर्ट कैप्शन, फिगर थ्री, क्लियर। इस तरफ अपना मेटल में जहां जहां क्या इंसर्ट करना चाहते हैं तो सारे आप इंसर्ट कर, वेरी सिंपल। इंसर्ट होने के बाद सेकंड पेज में जाना पड़ेगा, नाउ रेफरेंस मेनू, देन इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स, ओके, इस तरफ, इस तरफ मैंने यहाँ पे क्लिक करो, देन आपको फिगर्स चाहिए, देखो यहाँ पे आपको फिगर्स थ्री ऑप्शंस रहेगा, इक्वेशंस, फिगर्स, टेबल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इक्वेशंस चाहिए, देन थ्री इक्वेशन, वन इक्वेशन दिया है, वही तो है एट पेज में, तो फिर भी जाइए एंड टेबल चाहिए, शायद थ्री टेबल्स आप इंसर्ट किए थे, थ्री टेबल्स आ गया है, तो फिर भी जाइए एंड नेक्स्ट, फाइनली इक्वेशन हो गया, फिगर हो गया, सॉरी फिगर्स, सो फिगर्स टू थ्री फिगर्स आप इंसर्ट किए थे तो डायरेक्टली आ गया। सेम टू सेम एनी फिगर में जाना है, फिगर वन में जाना चाहता तो कंट्रोल क्लिक, बस फिगर वन, क्लियर। सो कंट्रोल जी, पेज नंबर टू, फिर भी हम यहाँ पे आ गया है, क्लियर ना। एंड फाइनली नेक्स्ट टॉपिक ये हो गया ना, तो क्रॉस रेफरेंस ऑलरेडी मैंने बताया, क्रॉस रेफरेंस में क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल जी, पेज नंबर 12, ऑलमोस्ट मैंने लास्ट को आए थे, लास्ट को आके मैंने यहाँ पे एक पिक इंसर्ट कर रहा, एक पिक मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया है, पीछे ठीक है, हमको डेस्कटॉप इमेज एक कंट्रोल प्रिंट स्क्रीन, कंट्रोल प्रिंट स्क्रीन कॉपी हो गया, वो मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, ओके, देन सेम टू सेम एज यूजुअल एंड फिगर फोर, ओके, एंड स्टार्टिंग स्टार्टिंग में आप यहाँ पे, सो डिस्प्ले, ओके, डेस्कटॉप स्क्रीन, फॉलो द लिंक, फॉलो द, ओके, फॉलो द, वेरी सिंपल, क्रॉस रेफरेंस में क्लिक करो, मैंने बताया था यहाँ पे फिगर फोर, फिर फोर ना, बस इंसर्ट। सो इफ यू वांट टू गेट डेस्क एंड डेस्कटॉप स्क्रीन एंड फॉलो द फिगर फोर, जस्ट कंट्रोल क्लिक एंड आपको ये वाला बात कर रहे हो। इन केस अगर ये भी पेज नंबर टू एंड यहाँ पे अगर ऐड करना चाहते हैं डोंट वरी, इसमें क्लिक करो, देन अपडेट टेबल, देन एंटायर अपडेट टेबल यहाँ पर ऐड हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पे क्लिक करने से भी आएगा और यहाँ पे क्लिक करने से भी आएगा, क्लियर, शायद ऑल आर ऑप्शंस आर क्लियर, क्लियर। तो ओके, देन मार्क एंट्री, सो मार्क एंट्री में क्या होगा, एक वर्ड
इसी डॉक्यूमेंट में कितना प्लेसेस में यूज किया है वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल कोऑर्डिनेट, सो कितना पेजेस में यूज किया है, मार्क मार्क ऑल, सो कितना कितना, एंड कोऑर्डिनेट वर्ड जितना प्लेसेस में है सारे ऑटोमेटिकली मार्क हो चुका है, सारे ऑटोमेटिकली मार्क हो चुका है। वेरी सिंपल, फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट चूजिंग, चूजिंग वर्ड मार्क एंट्री, सो जस्ट मार्क, जस्ट मार्क मतलब कौन से पेज में मैंने मार्क किया है, फोर्थ पेज में मार्क किया है, सिंपल। ओके सो और एक तो चेक करेंगे, गैलरीज, गैलरीज मार्क आर, सो गैलरीज ऑल पेजेस। ओके और एक तो चेक करेंगे, सेलेक्टेड, सेलेक्टेड एंड मार्क एंट्री जस्ट मार्क मतलब सिंगल पेज, सिंगल पेज मीन्स कौन सा, सिक्स्थ पेज। ओके ये सारे अगर नॉर्मल होना चाहते तो पता है आपको यहाँ पे क्लिक करने से नॉर्मल हो जाएगा, क्लियर ना। नाउ गो टू सेकंड पेज, नाउ गो टू सेकंड पेज, यहाँ पे क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद एंड रेफरेंस मेनू, देन इस तरफ जाना पड़ेगा इंडेक्स, सो डायरेक्टली आपको टू कॉलम्स में आ जाएगा। देखो चूजिंग ओनली फोर्थ पेज में है एंड गैलरीज नंबर ऑफ पेजेस में है, कोऑर्डिनेट नंबर ऑफ पेजेस में आप मार्क किए, सेलेक्टेड फिफ्थ पेज में मार्क किया। तो इस तरह टू कॉलम्स में मुझे जरूरत नहीं है एंड इसी वे में चाहिए, जस्ट कंट्रोल जेड एंड यहाँ पे क्लिक कीजिए, टू रोज सिंगल कर दो, सिंगल कर दीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे राइट अलाइन, इस तरह मुझे डॉट चाहिए, जस्ट ओके करो तो डायरेक्टली आ गया, फोर्थ पेज में मार्क हुआ, सिलेक्टेड फिफ्थ पेज में मार्क हुआ, ये सारे नंबर ऑफ पेजेस में है, हर पेज में है, हर पेज में है। दैट मींस यहां तक को पता चल रहा है, सो मैट्रिक का हेड जो है वो सेकंड पेज बन गया है, क्लियर। तो सो दिस इज द कंप्लीट मैट्रिक, कंप्लीट मैट्रिक बन गया मतलब आपको पता है कौन सा मैटर किधर है, कौन सा हेडिंग कहां पे दिया है वो भी पता है, कौन बनाया वो भी पता है, इक्वेशंस किधर है, टेबल्स किधर है, फॉर्मूलास फिगर्स किधर है एंड वर्ड्स आल्सो किधर है, मतलब एंटायर मटेरियल एंड इसका इसी से आप ऑपरेट कर सकते हैं, क्लियर ना। दिस इज द मार्क सिचुएशन, जरूरत नहीं है, सेम टू सेम इस तरफ रहेगा। एंड यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, टेबल ऑफ कंटेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पहले से हम पढ़ा रहा था, पता है। सो रिसेंटली मैंने ये वाला भी बताया एंड प्रीवियस क्लास में, ये भी ऑल्सो एक इम्पोर्टेंट ऑप्शन एंड बस एंड वन टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर ये वाला इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो फिर भी आप यूज कर सकते हैं। और रेफरेंस मेनू अगर आप यूज करना है तो आपको इतना टैलेंट होना चाहिए, मेटेरियल्स डिजाइन करने का टैलेंट आपका पास होना चाहिए, जस्ट लाइक प्रोफेसर, लेक्चर, एक मास्टर, एक टीचर, उन लोगों को मेटेरियल डिजाइन करेंगे, तो उन लोग के लिए, उन लोग अगर मेटेरियल जब डिजाइन करेंगे तो रेफरेंस मेनू उन लोग के लिए यूज होगा, ठीक है। एज ए स्टूडेंट आपको रेफरेंस मेनू यूज नहीं होगा, क्लियर। तो ओके इन केस बिना डाटा रहे हम रेफरेंस मेनू यूज करेंगे तो यू कांट टच एनी ऑप्शन, दैट्स इट। ओके तो रेफरेंस मेनू अगर यूज करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल होम मेनू डाटा बनाना पड़ेगा, इसमें पिक्चर्स, टेबल्स, इक्वेशंस, क्लिप पार्ट्स वो सारे इंसर्ट करना पड़ेगा, लेआउट में पेज मार्जिन्स, ओके वाटरमार्क, पेज नंबर्स, पेज कलर्स, ये सारे सेटअप करना पड़ेगा, देन इसका बाद में आप रेफरेंस मेनू यूज करना है। सो रेफरेंस मेनू क्या है, मटेरियल्स डिजाइन करने का लास्ट स्टेज, लास्ट स्टेज, अभी तो आपको एंटायर मेटेरियल आपको डिजाइन करना है, क्लियर। तो ओके बस दिस इज द एमएस वर्ड, एमएस वर्ड ऑलमोस्ट एमएस वर्ड लास्ट क्लास, ये वाला एमएस वर्ड इज यूज्ड फॉर टेक्स्ट डिजाइनिंग, टेक्स्ट डिजाइनिंग मतलब हेडिंग्स हम डिजाइन किए, वाटरमार्क डिजाइन किए थे एंड हेडर्स एंड फुटर्स एंड पेज नंबर्स बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन व्हाट नॉट एवरीथिंग इज देयर, अपना हैंड में जो मेटल दिया है वो तो सारे मैंने एमएस वर्ड में डिजाइन किए, तो आपको प्रूफ भी दिखा रहा हूं, क्लियर। तो अपने रिकॉर्ड्स इसमें डिजाइन कर सकते हैं, बच्चे लोग को क्लासेस यहाँ पे टेकअप कर सकते हैं, जो भी चाहिए
एमएस वर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एमएस वर्ड इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। परचेज लेटर डिजाइन करना है, सेल्स ऑर्डर डिजाइन करना है, किसी को डॉक्टर को कुछ मैसेज टाइप पे कोई मैटर टाइप करना है, कुछ भी, ओके, लीव लेटर डिजाइन करना है, रिज्यूम डिजाइन करना है, रिज्यूम रिज्यूम भी आप यहाँ पे बना सकते हैं। रिज्यूम मतलब, रिज्यूम पता है ना, रिज्यूम मतलब सीवी कहते हैं, करिकुलम वाटा, ओके, सो रिज्यूम सीवी, सीवी देन एंटर, दिस इज द सीवी एमएस वर्ड, ओके, एमएस वर्ड, एमएस वर्ड में सीवी, क्लियर ना, समझ में रहता हूँ, ओके। सो आप जहां पे जॉब के लिए अप्लाई करना है, जॉब के लिए अप्लाई करना है, इस तरफ आप डिजाइन करके आप देना पड़ेगा। कॉपी पेस्ट नहीं करना है, कॉपी पेस्ट करेगा तो रिजेक्ट कर लेते, ओके, मतलब तुम एक बनाया तो वही मैटर, वही तो कॉपी पेस्ट, मैक्सिमम मैक्सिमम ज्यादा स्टूडेंट्स ऐसे ही कर रहा है, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, मतलब क्रिएटिविटी नहीं है। चलो रेज्यूम भी उन लोगों को कैलकुलेट करेगा, आप खुद बनाया नहीं तो किसी को कॉपी पेस्ट कर बनाया। चलो कुछ लोग इसका डाटा चेंज करेंगे, वो फादर का नेम चेंज नहीं करेंगे, तो उसका पापा एक ही हो जाएगा, तो इसका टाइटल अलग रहेगा, इसका टाइटल अलग रहेगा, वो पागल हो जाएगा, कहाँ से हुआ है, तो एड्रेस भी चेंज नहीं करेंगे, इतना भी पता नहीं चलेगा बच्चे लोगों को एड्रेस चेंज करना है, मेल फीमेल में कंफ्यूज हो जाएगा, हाँ है बच्चे लोग है ऐसे, ओके, फॉर्म को लग करते हैं ना, सर यहाँ मेल फीमेल में क्या ठीक करना है, सर डेट ऑफ बर्थ में क्या देना है, हाँ कैसे, तो कैसे स्टैंडर्ड क्या पढ़ा रहा है, क्या क्या पढ़ा रहा है, ओके, एक रिज्यूम, अपना खुद का रिज्यूम होना चाहिए। देखो मैंने यहाँ पे कोट किया है, एक बोर्ड लेटर में दिया है, ये भी बोर्ड लेटर में दिया है, तो स्मॉल लेटर में टाइप किए थे, एंड ईमेल एड्रेस दिया थे, कॉन्टेक्ट नंबर दिया थे, सारे सारे मैक्सिमम ऐसे करियर ऑब्जेक्ट दिया है, टेक्निकल स्किल्स डिग्री सी ए टैली किया है, एजुकेशनल अकाउंट, देखो एक पैटर्न पे होना चाहिए, मतलब टॉप से नीचे नहीं है, नीचे से ऊपर को जाना है, एट प्रेजेंट क्या हुआ, इसका पहले क्या किया, इसका पहले क्या किया, तो टेंथ प्लस टू बीकॉम ऐसे नहीं है, बीकॉम अगर एमबीए हुआ, एमबीए बीकॉम प्लस टू टेंथ, सो कितना मार्क आए थे, कौन से ईयर में पास हुआ, तो सारे है एग्जैक्टली होने चाहिए, ओके। तो डायरेक्ट कुछ भी नहीं लाते, डायरेक्ट सर मुझे एक रिज्यूम बना के दे दीजिए, तो क्या बना, मार्क्स तो होने चाहिए ना, ओके, तो सारे ले देते, स्ट्रेंथ क्या है, तुम्हारा पर्सनल डिटेल्स, तुमको कौन सा लैंग्वेज आएगा, तुमको कौन सा लैंग्वेज अपना मदर लैंग्वेज स्टार्टिंग में देना है, तभी तो उसको पता चलेगा, अच्छा ये तो ये लैंग्वेज उड़ीसा से आया है, तो तेलुगु है मतलब, अच्छा ये तो आंध्र से आया है, मतलब रिज्यूम मतलब क्या है, हम कुछ भी नहीं बताएंगे, सारे डिटेल्स उसको मालूम होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड रिज्यूम, समझ आ रहा है, तो ओके, सो देखो उसका एड्रेस कंप्लीटली एड्रेस प्रेजेंट एड्रेस दिया है, एट प्रेजेंट एड्रेस दिया है, उसका फोटो दिया है, उसका कंप्यूटर स्किल्स दिया है, उसका क्वालिफिकेशन दिया है, देन इसका पर्सनल्स दिया है, मतलब फादर का नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ कब है, मैरिज हुआ कि नहीं, वो कौन सा लैंग्वेज आ रहा है, सारे एक आदमी का सारे डिटेल्स इस तरफ देना है, तो तुम्हारा मर्जी से जनरेटर बना के दे देना है, इसे मैक्सिमम मैक्सिमम रिजेक्ट कर देते हैं, मैक्सिमम रिजेक्ट कर देते, ठीक है। देखो मैंने ये दिखाने का रीजन क्या है, मैंने एमएस वर्ड में ये बना हुआ है, पता है इसमें ग्रेडेड कलर दिया है, दिया कि नहीं ग्रेडेड कलर, ग्रेडेड कलर दिया है, देखो यहाँ पे जाने से आपको ग्रेडेड कलर, ओके, ये वाला ग्रेडेड कलर है ना, ओके, लॉक किया है इसलिए शो नहीं हो रहा है, कंप्लीटली लॉक हो गया, कंप्लीटली लॉक हो गया है, ओके, सो इसलिए डिसमेल, ये लॉक कैसे करेंगे आपको रिव्यू में आएगा, प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट में आपका आएगा, लॉक कैसे करना है, ओके, देन स्टॉप प्रोडक्शन, इसके लिए क्या पासवर्ड दिया है मुझे भी पता नहीं है, मैं ट्राई करूंगा तो अनलॉक हो गया, अब देखो मतलब कोई भी कुछ भी नहीं कर पाएंगे, सो अभी अभी आपको ये वाला डिसमेल होगा, कुछ भी आप चेंज कर सकते, ग्रेडेड कलर, देन मोर ग्रेडेड कलर, एंड इस तरह कलर सब टू कलर कॉम्बिनेशन दिया है, चाहिए तो हम कलर चेंज करेंगे, तो कलर चेंज करके हम चेक करेंगे, क्लियर, तो राउंड एंड रेक्टेंगल यूज किए थे, समझ में आ रहा है ना, ओके, देखो ओनली ये वाला बॉक्स, ये टेक्स्ट तो इधर है,
टेक्स्ट बॉर्डर है, ये कैसे दिया है वो भी पता है, ये वाला कैसे दिया है ये भी पता है, क्लियर ना, ये वाला कैसे दिया है ये भी पता है, पता चल रहा है। तो रिज्यूम अपना आपने, मैं तो आई थिंक आप लोग कर सकते हैं अपना रिज्यूम, आप खुद का डिजाइन कर सकते हैं, क्लियर। सो दिस इज द एमएस वर्ड, और भी है, ये थ्री मेनूस इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी पढ़ाता हूँ, ओके। लेकिन मेथड्स अगर डिजाइन करना है, ये फोर मेनूस।